नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे किसान अल्पकालीन ऋण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करें। दोस्तों, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है अपने डिस्ट्रिक्ट का कोऑपरेटिव बैंक का लिंक। जैसे ही आपका कोऑपरेटिव बैंक का लिंक ओपन हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हो, जैसे ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपने KO कोड एंटर करके आपको लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे मैं अपने KO कोड डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड डाल दूँगा और उसके बाद मैं डालूँगा यहाँ पे मेरे कैप्सा पासवर्ड के बाद। तो मैं सबसे पहले पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मुझे ये कैप्सा डालना है जो ऊपर वाली इमेज दिखाई दे, 3MKBCS। ये डालने के बाद दोस्तों, आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक हो जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक मैसेज प्लेस होगा, उसके बाद यस करना है। और उसके बाद वेरीफाई करके आपका फिंगरप्रिंट कोई भी एक स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्लेस होगा, तो वैसे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ये ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, हल्का सा ब्लू, उसके बाद दोस्तों आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे आप लॉगिन हो जाओगे। ST लोन एप्लीकेशन के ये सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर क्रिएशन, फिर लोन एप्लीकेशन का ऑप्शन है ये थर्ड वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आधार कार्ड नंबर पर जाना है और यहाँ पर आप किसान के आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। दोस्तों, आधार कार्ड नंबर सबसे अच्छा तरीका है आवेदन करने के लिए। आप यहाँ भमासा कार्ड या एप्लीकेशन नंबर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड नंबर सबसे अच्छा तरीका है इसके लिए आवेदन करने के लिए, ऋण पंजीयन करने के लिए किसान अल्पकालीन ऋण योजना के तहत। उसके बाद दोस्तों, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, किसान का नाम लेना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, किसान के फिंगरप्रिंट मांगे जाएंगे, तो आपको वापस यहाँ पर किसान के फिंगरप्रिंट लेने होंगे। तो जैसे ही आप किसान के फिंगरप्रिंट ले लोगे तो उसके बाद दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर वापस एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको एक्सेप्ट करके आप लॉग आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, करता हूँ मैं वेरीफाई पे क्लिक किया, फिर एक्सेप्ट करता हूँ, ये हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे ये NOD खाता है और इसके पूरा जो पुराना लोन है उसका विवरण भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो माफ हुआ था आगामी दिनों में। दोस्तों, आपको ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आधा डेटा भरा हुआ आएगा, जो डेटा भरा हुआ नहीं है वो डेटा आपको भरना है। तो यहाँ विवाहित स्थिति भरा हुआ नहीं है, मैं यहाँ विवाहित लिख लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे इसके बीवी का नाम लिखूँगा किसान के, तो मैं यहाँ पे नाम लिख लूँगा इंग्लिश में, हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप तो बार बार स्पेलिंग बदल के लिखे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, फिर आपको यहाँ पे जाति लिखनी है, तो यहाँ मैंने OBC लिख लिया। उसके बाद दोस्तों, आपको समूह लिखना है, APL राशन कार्ड या BPL वगैरह जो भी है वो लिख लेना। फिर पैन कार्ड है तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको विलेज लिखना है और उसके बाद दोस्तों, आपको ग्राम पंचायत भी लिखनी है। ये लिखने के बाद दोस्तों, आपको आगे बढ़ना है। तो आगे हम बताता हूँ मैं आपको क्या क्या बढ़ना होगा। दोस्तों, आगे वाले में आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेना है, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट ले लिया। उसके बाद दोस्तों, मैं विधानसभा क्षेत्र लूँगा, फिर मैं तहसील ले लूँगा और फिर मैं पिन कोड डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर पिन कोड डाल देता हूँ। दोस्तों, ये आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं। तो ये प्रथम भाग कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है, ऋण की जानकारी आपको बढ़नी है। तो यहाँ पे आप पहले से पैक्स के मेंबर हैं तो यस आएगा, तो यहाँ पे यस लिखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको पैक्स के जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक होते हैं, जो आपको संबंधित पैक्स है ग्राम सेवा सहकारी समिति से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे सेकंड वाले के अंदर आपको दिनांक भरनी है, ये भी आपको संबंधित पैक्स से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ दिनांक, कौन से दिनांक को किसान सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बना। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ब्रांच लिखना है, आपकी बैंक की ब्रांच कौन सी लगती है। तो यहाँ पे आपको बैंक की ब्रांच लिखना है। सेकंड वाले के अंदर आपको पैक्स लेनी है अपनी, कौन सी पैक्स है। तो मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मेरे तखतगढ़ी है पैक्स, तो मैंने तखतगढ़ ले लिया। फिर यहाँ मोड ऑटोमेटिक ऑफलाइन ही आएगा, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अगले वाले के अंदर आपको लिखना है आपकी भूमि का विवरण, आपकी जो ज़मीन है आपके पास उसका विवरण आपको यहाँ पे दर्ज करना है। सबसे पहले ज़मीन कहाँ आई हुई है, तो मैंने ये लिख लिया नयाखेड़ा, ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको खाता संख्या लिखना है। तो दोस्तों, आपको खाता संख्या आपका जो भूमि प्रमाण पत्र देगा पटवारी, या फिर आपकी जो जमाबंदी, उन दोनों पे आपका ये अंकित होंगे। तो पटवारी के पास से आपको भूमि प्रमाण पत्र और जमाबंदी भी लानी होगी, तो वो जो उसके ऊपर अंकित नंबर है वही आपको यहाँ पे एंटर करने हैं और आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये आपको विशेष से ध्यान रखना। दोस्तों, एक से अधिक अगर आपके खाता संख्या है
तो उन खातों को एड्रो करके अलग अलग करके आपको जोड़ना होगा। तो यहाँ पे एक टाइम में एक खाता ही जुड़ेगा। मैंने एक खाता 99 नंबर खाता मैंने लिया, कुल उसके अंदर जो हेक्टेयर में क्षेत्रफल है वो 1.6 सिंचित है और असिंचित में कोई है ही नहीं, जीरो है और कुल 1.6 हो गया। अगर दोस्तों असिंचित में होता तो वो भी मैं यहाँ पे एंटर करता। तो ये आप अपनी विवेक के अनुसार आपको बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों एड रो करके आप और भी ज़मीन है तो जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, जितनी भी ज़मीन है आपको एड रो जैसे एड रो करेंगे ऐसे कैसे ऑप्शन आएगा, आपको फॉर्म फिलअप करते रहना और आगे से आगे जोड़ते रहना है। लेकिन दोस्तों का सिंचित व असिंचित का जो विवरण है वो भूमि प्रमाण पत्र पे ही मिलेगा। तो किसान भूमि प्रमाण पत्र लेके आएगा, उसके ऊपर पटवारी आपको लिख के देगा कि इसके कुल ज़मीन इतनी है, इतने में इसमें से इतनी सिंचित है, इतनी असिंचित है और उसका योग ये है। तो उसी के अनुसार आपको ये पूरा का पूरा डेटा फिलअप करना होगा। तो ये आपको अपने तरीके से विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आप ये पूरी ज़मीन यहाँ पे जोड़ लोगे तो उसका टोटल योग आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। ये आपके आगे जाके काम आएगा तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अब ये हमने ज़मीन जोड़ दी, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस ज़मीन में आप कौन सी खेती कर रहे हैं वो आगे वाले, जैसे भूमि की खेती का विवरण। तो यहाँ पे आपको लेना है सबसे पहले आपको असिंचित ज़मीन और असिंचित ज़मीन। तो सिंचित ज़मीन ले लिया, कुल इसका कितनी सिंचित ज़मीन के अंदर आप कौन सी खेती कर रहे हैं वो आपको लिखना है। तो मैंने 1.6 ले लिया सिंचित ज़मीन है। फिर मैं यहाँ ले लूँगा फसल कौन सी, खरीफ या फिर रबी। तो मैंने खरीफ ले लिया और खरीफ के अंदर मैं कौन सी फसल की बुआई करूँगा तो मैं यहाँ पे उस फसल का नाम ले लूँगा। तो मैंने मूंग ले लिया। अगर मैं एक से अधिक फसलों की बुआई करूँगा तो कितनी ज़मीन में कितनी करूँगा वो एड रो रो करके मैं अलग अलग करूँगा। मैंने 1.6 पूरा ले लिया पूरा। अगर मैं समझो कि एक हेक्टर में मैं कर रहा हूँ मूंग की और 0.6 हेक्टर में कोई अन्य फसल है तो मैं यह फर्स्ट वाले में एक लूँगा और फिर एड रो करके 0.6 लेके उस दूसरी फसल का विवरण खरीफ लेके मैं जोड़ लूँगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कुल योग ये जो ऊपर वाली भूमि का विवरण है 1.6 मेरे आ रहा है वह योग यहाँ पे मिलना चाहिए एक एक के अंदर। जैसे खरीफ के अंदर भी इतना आना चाहिए और रबी के अंदर भी ये आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वापस लेता हूँ 1.6 ले लिया, फिर मैं ले लूँगा रबी और फिर मैं ले लूँगा रबी के अंदर जो मैं फसल की बुआई करने वाला उसकी डिटेल मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। दोस्तों ये एंटर कर ली तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सब डेटा एंटर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे फसल लेके आपको एक बार आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ खरीफ और रबी में 1.66 लिया है तो पूरा का पूरा डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो मैंने गेहूँ ले लिया अभी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप दो फसल बोए, जैसे मैं आपकी आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि रबी की मुझे दो फसल बोनी है आधे आधे भाग में, तो मैं 0.80 ले लिया, फिर मैं एड रो पे जाऊंगा, फिर वापस मैं सिंचित लूंगा और फिर जो 0.8 के अंदर मैं एक अन्य फसल का विवरण दर्ज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये रबी ले लिया और फिर एक अन्य फसल का मैं विवरण दर्ज कर लूंगा। इस प्रकार आप 3, 4, 5 फसल जितनी भी फसल हैं आपको पता होगा आप कितने क्षेत्र में ये फसल बो रहे हैं, कितने क्षेत्र में ये फसल बो रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपको ये डेटा की एंट्री करनी होगी। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जैसे कि रबी की फसल ली तो उसका कुल योग जो आपकी कुल ज़मीन से मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये आप अपने विवेक के अनुसार आपको बढ़ना होगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। आगे वाले कॉलम के अंदर जो आपका पिछला ऋण है उसका विवरण आपको यहाँ पे दर्ज करना, समिति व अन्य बैंकों से लिए गए फसली KCC ऋण का विवरण। तो प्लस पे आपको क्लिक करना है पीछे वाले पॉइंट पे, इसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कौन सी बैंक से ऋण लिया या किस सोसाइटी से लिया या फिर किस बैंक से लिया तो उसका नाम आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आपको दर्ज करना है। उसका नाम दर्ज करने के बाद आपको कुल जो ऋण स्वीकृत था वो कितना था वो आपको सेकंड वाले कॉलम के अंदर एंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने उस बैंक का नाम लिख लिया जहाँ से मुझे लोन मिला था। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, सेकंड वाले के अंदर वो लिखूँगा जहाँ से मुझे मेरी ऋण राशि स्वीकृत ऋण राशि कुल कितनी थी जो मेरा अगला लोन था, तो वो मैं यहाँ पे दर्ज कर लूँगा। तो मैंने ये कुल ऋण राशि यहाँ पे मैं दर्ज कर ली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऋण का प्रकार, एक तो ओडी होता है एक एनओडी, यानी कि जो अवधि पार और अनवधि पार, जो आप टाइम पे उसको चुकाया है तो वो अनवधि पार कहलाएगा, नहीं चुकाते तो अनवधि पार। फिर उसका कुल कितना बकाया है तो मैं यहाँ पे 00 लिख लिया। अगर आपका बकाया है तो आपको वो यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद सहकारी बैंक खाता जो KCC खाता कहते हैं उसके नंबर और उसके IFSC कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले उसके अकाउंट नंबर ऐड कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद दोस्तों मुझे उसके IFSC कोड भी एंटर करने होंगे सहकारी बैंक के। दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पे KCC खाता ही आपको एंटर करना है। KCC खाता एंटर करने के बाद दोस्तों आपको आगे वाला अंतिम ऑप्शन है, पहले से ही आप एक ऋण ST खाते से जुड़े हैं
तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग पहले से ही एसटी लीन खाते से जुड़े हुए, जो नए जुड़ेंगे जो बाद में होंगे तो उनके लिए ये नो होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको कोई भी एक नॉमिनी का नाम एंटर करना है। तो आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ नॉमिनी का नाम लिख लिया। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं दोस्तों कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा डाटा कैलकुलेट हो जाएगा। और कैलकुलेट होने के बाद दोस्तों स्क्रीन के नीचे ये वापस फॉर्म ओपन हो गया कैलकुलेट होने के बाद। उसके बाद दोस्तों आप ट्रैक करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कोष्ठक की श्रेणी सबसे पहले वाला ऑप्शन आएगा। तो मैंने यहाँ सीमांत हैं ऑटोमेटिक आ गया, इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ नियमानुसार लिखा हुआ ही है आपकी स्क्रीन पे, ऋण राशि नियमानुसार जो भी है, दुर्घटना में नियम जो नियम है उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीन यहाँ पे घोषणा है, वे आप करके यहाँ पे आगे वाले पॉइंट टिक कर लें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। बीमा प्रीमियम राशि भिजवाने तो संबंधित समिति अधिकृत हूँ, इसके लिए सेकंड वाले सुखाई जाती है बैंक के वगैरह, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हिस्सा राशि कटौती कर समायोजित कर दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के किसी अन्य सदस्य ने कोई ऋण लिया है कि या फिर नहीं, ये थर्ड वाला है, तो इन तीनों का आपको टिक कर लेना है बारी बारी से। तीनों को टिक करने के बाद दोस्तों आपका अंतिम कार्य होगा इस फॉर्म को सबमिट करना। दोस्तों ये अंतिम वाला पॉइंट तक आप पूरा पढ़ ले एक बार, फिर उसके बाद आप सबमिट करें। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको प्रिंट का ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ये दोस्तों आगे ये रसीद आ गई, इसकी रसीद को प्रिंट करके एक तो आपको फॉर्म के साथ चिपकानी और एक आपको किसान को देनी है, जो किसान अपने पास घर पर रख सकता है। तो दो प्रिंट आउट आप इसकी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंटर का चयन करके इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था अल्पकालीन ऋण के लिए किसान का आवेदन करने का। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, दोस्तों इसको लाइक व शेयर करें। और दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखना है तो आप हमारा चैनल इमित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कोई समस्या आती है तो संबंधित आप पैक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप संबंधित बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन पर भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों इसको आवेदन करने के पहले एक बार आप गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है इसलिए शेयर तो करना ही है, इसके अलावा साथ साथ आपको लाइक भी करना है। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बैंक बीसी से जुड़े हुए और भी वीडियो जैसे नया अकाउंट ओपन करना, इसके अलावा दोस्तों आपको पैसे निकालना, पैसे जमा करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, इस तरह से बहुत सारी और भी सर्विसें हैं जो बैंक बीसी के साथ साथ हमें मिलती हैं। तो किस प्रकार से आप इन सर्विसों का उपयोग कर पाएंगे और कैसे उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने बीसी लिए तो आप इन सर्विसों का उपयोग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको आगे क्या करना होगा इसकी जानकारी समय समय पर मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे चैनल मित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाना है, तभी ये जानकारी आपको मिल पाएगी। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।